सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, सो अपना और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रही है खाना बनाने की तैयारी और मैंने सारी तैयारी करके रख ली है खाने की। और अभी भूनने जा रही थी बैंगन, तो बैंगन ऊपर से इतना अच्छा दिख रहा था, एक पूरा का पूरा सड़ा निकल गया और दो काफ़ी अच्छे निकले। और काफ़ी मतलब पूरा शायद इस साल भर बाद ही हमारे घर में बैंगन आए हो। बैंगन हम लोग बिल्कुल खा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना, वो भरके बनाते हैं वो वाले। सो अभी आए इतने बड़े बड़े भयंकर वाले बैंगन, तो उनको मैं कट करके पहले मैंने उनमें चेक किया कि इनमें कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, फिर उसको मैं गैस पर भून रही हूँ। चलो देखते हैं। ये दो बैंगन मैंने रख दिए हैं भुनने के लिए और ये पूरा एक सड़ा हुआ है, इसमें छेद ही छेद है। काट कर देखा तो इसके अंदर पूरा सड़ा हुआ है ये। सो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी निकल जाती हैं। ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था, ऐसी मैंने आज एप्पल काटा, वो ऊपर से इतना अच्छा था, इतना बड़ा, और पूरा अंदर से खराब काला काला निकला था। और मेरे गुन्नू की तबीयत फिर से खराब हो गई है। कहाँ हुआ है बेटा? नींद कितनी बार सोएगा? तो कुकू अभी थोड़ी ना पीना है, कुकू तो शाम को रात में पीना ना, ठीक है? हाँ रात में पी लेना, जब सोई सोई करोगे ना तब। मच्छर ने क्या कर रखा है? नहीं क्या बोल रहे थे आप, मच्छरों ने बुरा हाल कर रखा है? हाँ बुरा हाल कर रखा है मच्छरों ने। क्या खा गए? हाँ हाँ बड़ा चूहा था, मच्छर ने वो भी खा लिया। हाँ क्या खाया? येलो टी शर्ट में अच्छा लग रहा है भैया, येलो टी शर्ट में अच्छा लग रहा है ना। मच्छर ना तो मेरे घर पे ना ही मेरे ससुराल में, यहाँ पे पता नहीं क्यों इतने मच्छर हैं, भयंकर मच्छरों ने जीना आराम कर रखा है। जहाँ देखो वहाँ मच्छर ही मच्छर मिलते हैं ना। मेरे गुन्नू का जीना आराम कर रखा है। ये कैसी ऐसी है? मच्छरों वाली अगरबत्ती जो होती है, जितनी देर वो जलेगी उतनी देर तो सब ठीक ठाक रहेगा, एक भी दिखाई नहीं देगा, या फिर वो छुप जाते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं, और उसके खत्म होने के बाद फिर से इतने सारे मच्छर नजर आने लगते हैं। बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। बड़ा चूहा था, वॉशिंग मशीन को ही खा गया। आपने कब देखा यहाँ पे चूहा था? तो बैंगन बहुत अच्छे से भून चुके हैं। बैंगन को इस तरह से कट करके तब भूनो ना, तो पता चल जाता है कि इसमें कीड़ा वगैरह है या नहीं, वरना कीड़ा बेचारा साथ में ही भून जाता है और फिर पता भी नहीं चलता कि था या नहीं था। और अब बारी है टमाटर को भूनने की। सो टमाटर को कट करके मैंने इसके अंदर लहसुन की काफ़ी सारी कलियाँ भर दी हैं। बैंगन और टमाटर भून गए हैं और ये मेरी गैस का हाल देखो, इसलिए मैंने साफ भी नहीं की थी कि ये ऐसी होने वाली है। ये सब जाएंगे बन गया है और मैं टेस्ट कर लिया, बहुत यम्मी बना है। अभी बीहू बताया टेस्ट करते हैं। आ बीहू, ये रहा बीहू का थोड़ा सा खाना। क्या हुआ? तो इसमें दोबारा लगा लो, लो
गरम है हाँ, फुक 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 मारकर मुंह में पानी आ रहा है। सच में अच्छा है। फीवर अपने आप चेक कर रहा है बेचारा। लगा भी है अच्छे से। यहाँ लगाओ, यहाँ पे कितना है फीवर? बंद हो गया वो? नहीं, डिस्प्ले आ रहा है, चल रहा है। चल गरम हो गया। क्या हो जाता है बाबू आपको, नजर लग जाती है? हाँ। क्यों? मच्छर ने जीना आराम कर रखा इतना क्यों? कितना है? 100 है। बंद कर, इतना बुखार। अरे लगाने दो, तेज होगा तो फिर एक और दूसरी वाली देंगे ना। लेट जाओ। और ठंडी तो नहीं लग रही? लग रही बेटू को। कैसी वीडियो बनी है मेरी? हाँ, कैसी वीडियो बनी है? कैसी वीडियो बनी है? कैसी बन सकती है बताओ? अपने आप। हाँ। क्या बेटा, मुझे वीडियो दिखा दो। दिखा दो? ओके बेटू। Hey guys, good morning, so be again next day. मैंने यहाँ पे बाथरूम में अगरबत्ती लगाई है क्योंकि बहुत मच्छर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी नीचे पड़े हुए मिलेंगे, ये देखो कि मैं स्टार्ट भी हो चुके हैं। क्या आपके यहाँ भी इतने मच्छर हो रहे हैं? बहुत मच्छर हैं यहाँ पे। ये रैकेट भी काम नहीं करते, दो दो रैकेट मंगा रखे हैं, दोनों ही मतलब यूजलेस हो रहे हैं। कितना मारोगे बैठ के? बहुत ज़्यादा है, मतलब कितने मारोगे? एक इंसान पूरे दिन मच्छर ही मारता रहेगा। बहुत मतलब बहुत हालत ख़राब हो रही है मच्छरों से, बहुत ज़्यादा। अब आपको फीवर तो नहीं है? छीन लगा दिए गुन्नू के, जो मैंने विंटर्स के कपड़े निकाले थे उनके लिए। और मेरा गुन्नू भी नहा लिया है, बोलो हाय। मैं नहा लिया, बोलो गुन्नू मैंने नहाई नहीं कर ली। शर्मा रहा है। आजकल डेली मशीन चलानी पड़ रही है क्योंकि विंटर जैसे जैसे स्टार्ट होती जा रही है वैसे कपड़े निकाले जा रहे हैं। डेली डेली कुछ ना कुछ निकालना पड़ रहा है, बच्चों के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। सो डेली मशीन लगानी पड़ जाती है। कल भी इतने सारे कपड़े धोए थे, आज भी मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मतलब डेली का ही काम हो गया ये वाला। देखते हैं कल क्या निकालते हैं, क्योंकि जैसे जैसे विंटर बढ़ती जा रही है ना वैसे वैसे याद आ रहा है कि अब ये वाला कपड़ा निकालना है, अब ये वाला कपड़ा निकालना है। सो डेली का काम हो गया कि मेरे रोज़ के कपड़े धो सुखाओ उतारो फिर धो सुखाओ उतारो। सो विंटर्स में मैं दिन में एक बार अपने फेस पर कोकोनट ऑयल से ज़रूर मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में ना मुझे अपना फेस बहुत अच्छा सा लगने लगता है, शायद मसाज की वजह से। सो एक बार दिन में अगर मसाज कर लो ना तो फेस पर एक अलग ही शाइन रहती है। सो एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना। और आजकल मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए योगा कर लूँ, थोड़ा बहुत करूँ, करना स्टार्ट करूँ। सो मैं भूल ही जाती हूँ हमेशा कि मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी भी है। आजकल सब छूटा पड़ा है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा रीस्टार्ट करूँ। सो मैंने शुरुआत की है योगा से, तो देखते हैं कितने दिन तक कर पाती हूँ। और अभी 2 बज चुके हैं और मैंने जो सुबह दाल चढ़ा दी थी उसको मैं अभी तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि ये लोग 2:30 या 3 बजे तक आ ही जाते हैं, मतलब 3 बजे से पहले। और हम लोग रोटी से दाल खाएंगे इसलिए मैंने थोड़ी गाढ़ी सी बनाई है, वरना पतली दाल हम लोग रोटी से खा ही नहीं पाते, इसलिए हमें थोड़ी सी गाढ़ी बनानी पड़ती है। ये लोग आ चुके हैं, मैंने तड़का लगाया, सब लोग खांसे जा रहे हैं, सबको खांसी आ रही है। सब खांस रहे हैं सब। गुन्नू क्या कर दिया मम्मा ने? पूरे घर में मिर्ची हो गई। हाँ ठीक है गाइस, तो अभी मैं आई हूँ वॉक करने और अभी बज रहे हैं 4:20। देखती हूँ मैं कितनी देर वॉक कर पाती हूँ। मैंने तो सोचा है वो है 6 बजे तक, देखते हैं 6 बजे तक मैं वॉक कर पाती हूँ या नहीं। ऑपोजिशन हो रहा है तो इसलिए मैंने मास्क लगाया हुआ है। सो लेट्स सी, मैं सोचा शाम को डेली 1.5 या 2 घंटे एटलीस्ट वॉक की जाए, क्योंकि मेरे शरीर की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, बहुत दवाइयों ने मेरा बैंड बजा हुआ है। दवाई की वजह से शरीर मेरा फूला जा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रही मैं अपने आप को। सो लेट्स सी कि मैं कितनी वॉक कर पाती हूँ, चलो देखते हैं।
मुझसे सिर्फ 50 मिनट की वॉक हुई, इससे ज़्यादा वॉक हो ही नहीं पाई। और विंटर्स में लोग मोटे हो जाते हैं, मोटे होने का रीज़न पता है क्या, एक तो खाते तो हैं ही, ऊपर से ना ही एक्सरसाइज होती है ना ही वॉक होती है, पूरा पार्क खाली पड़ा रहता है, कुछ ही गिने चुने लोग आते हैं, कुछ ही लेडीज़ आती हैं, वरना समर्स के टाइम पर पार्क पूरा भरा रहता है। ये 4 सेक्शन है इतने बड़े बड़े से, चारों ना भरे रहते हैं, भीड़ मिलती है चारों वाले सेक्शन में, और अभी तो एक में भी कुछ भी भीड़ नहीं थी, तो इसलिए मोटे होते हैं लोग विंटर्स में। गुरु नानक जयंती के दिन हम लोग घूमने गए थे, उसके बाद से मेरी 3 दिन तो तबीयत ख़राब हुई, फिर ठीक भी हो गई थी, और फिर आज थोड़ा ठीक फील कर रही थी तो मैं वॉक पर चली गई, और फिर वॉक से आने के बाद शाम को 7-8 बजे मेरी बैक में इतना पेन हो लग गया था, फिर मैंने गुन्नू से अपने बैक की मसाज कराई थी, वो चढ़ चढ़ कर अच्छे से मसाज कर रहा था, उसके बाद भी मुझे कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। फिर सुबह होते ही हम लोग टेस्ट वेस्ट कराने गए थे, और कुछ डॉक्टर ने भी टेस्ट लिखे थे, तो सारे टेस्ट वेस्ट कराए, और जब रिपोर्ट आई थी तो रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था, कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड और शुगर वगैरह कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। और ये वीडियो अभी का नहीं है, ये 7-8 तारीख का वीडियो है, और अब मैं जाकर ठीक हुई हूँ, तो मैंने अब एडिट किया है। मेरे गले में पेन हो रहा था, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, कान में पेन हो रहा था, सिर में पेन हो रहा था, फीवर आ रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बीपी लो हो जा रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी, और ठंड भी चढ़ जा रही थी मुझे रात भर। तो घर का सारा काम भी, खाना वगैरह भी मेरे हस्बैंड ही बना रहे थे सुबह और शाम का, और यहाँ पर कॉलोनी में जितने भी पेड़ पौधे थे सबको साफ करने के लिए पानी छिड़का जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन पर मिट्टी जमी हुई थी। प्रेशर बहुत है ना, प्रेशर बहुत है ना इसमें, तभी तो इतनी दूर जा रहा है पानी। कितने ऊपर तक जा रहा है ना। और शाम का टाइम हो चुका था, मैंने बनाए थे अप्पे, और ये अप्पे सिर्फ सूजी के नहीं हैं, ये हैं सोयाबीन बड़ी के, और सूजी बहुत कम डाली थी इसमें, सो ये मिक्स करके मैंने अप्पे बनाए थे, और इसमें कैबेज डाली थी, कैप्सिकम डाली थी, और अनियन डाली थी, और जो भी आपके पास सब्जियां वो सारी डाल सकते हैं, वैसे मेरे पास जो थी मैंने वो डाली थी, और इसमें सोयाबीन मैंने बहुत सारी डाली थी, और इस तरीके से मैंने अप्पे बनाए थे, और सच में बहुत टेस्टी बने थे, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आए, और थोड़े जब ज़्यादा ब्राउनीज हो जाते हैं ना तो हम लोगों को तब अच्छे लगते हैं, सो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक इनको सेका था। और ये चटनियाँ बनाई थी दोनों, ग्रीन और एक अनियन की और एक हरे धनिए की, सो बहुत यम्मी सा बना था, बहुत टेस्टी। सो ये बन गए मेरे अप्पे, ये हमारे रात का खाना था, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो हल्का सा खाना बनाया था। बहुत मिर्ची है, बहुत मिर्ची है, मिर्ची नहीं है, गरम है। कैसा है? सो गाइज, ये था मेरा वीडियो जो कि मैंने काफ़ी दिनों पहले शूट कर लिया था, बट इसका एंडिंग नहीं लिया था, और ये वीडियो शायद 7-8 तारीख का था जब मैंने बनाया था, 7 या कुछ तारीख से मैंने इसको शूट करना शुरू किया था, शायद 3 दिन का वीडियो था ये, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैंने इसको एडिट ही नहीं किया, और अब जाकर मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, वरना मेरे को इतना मतलब शाम के टाइम से इतनी ठंड चढ़ जाती थी, 3-3 ब्लैंकेट डालने पर भी मेरी ठंड नहीं जा रही थी, सो और फीवर वगैरह हो रहा था, कान में गले में सब जगह मतलब पेन ही पेन हो रहा था, और खाया भी नहीं जा रहा था कुछ, तो अब थोड़ा ठीक हूँ, तो इसलिए मैंने आज वीडियो एडिट किया और इसका एंडिंग लिया, क्योंकि एंडिंग भी मैंने नहीं लिया था, मैंने कब वो वीडियो रोक दिया था खुद ही नहीं पता मुझे। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सो अपना और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।